हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले 17 सालों में ITC लिमिटेड के साथ काफ़ी बार उतार चढ़ाव देखने को मिला। फाइनली यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने वाली है और बहुत जल्द ये टारगेट हिट भी हो जाएगी 400 रुपये का। लेकिन अगर हम 400 रुपये को इग्नोर करें, इस बीच में ITC लिमिटेड के साथ कई बार डिमर्जर की भी खबर आई और इस बीच में कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है रेगुलर तौर पे और कंपनी बोनस भी देते आ रही है। तो सबसे पहले हम इस कंपनी से मिलने वाला लाभ की बात करेंगे, उसके बाद इस कंपनी में निवेश कब और कहां करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल्स के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, ITC लिमिटेड जब से यह शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है उस समय से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 1864% का रिटर्न दिया है। लेकिन गिरावट होने के बाद मैक्सिमम चार्ट के अनुसार अब तक अपने निवेशकों को 1900% का रिटर्न दिया है और इस बीच में निवेशकों को हर एक साल डिविडेंड दिया है। साल 2022 की बात करें तो उस समय इसका प्राइस लगभग 200 से 250 के बीच में ट्रेड कर रही थी। उस बीच में इन्होंने 6 रुपया 25 पैसा, 5 रुपया 25 पैसा यानी कि 11 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड दिया साल 2022 में। साल 2021 की बात करें तो इस बीच में भी इन्होंने जो है दो बार डिविडेंड दिया, 5 रुपया 75 पैसा और 5 रुपया, यानी कि 10 रुपया 75 पैसा साल 2021 में डिविडेंड दिया और कंपनी इसी प्रकार से डिविडेंड देते आ रही है। इस कंपनी से मिलने वाला बोनस की बात करें तो साल 2016 में आखिरी बार इन्होंने 1:2 के रेशियो में बोनस दिया था, साल 2010 में 1:1 के रेशियो में, साल 2005 में 1:2 के रेशियो में, 1994 में 1:1 के रेशियो में, 1991 में 3:5 के रेशियो में। यह रेशियो का मतलब यह होता है दोस्तों, अनुपात, यानी कि अगर आप 10 शेयर लेते हैं, अगर कंपनी ये घोषणा करती है 1:1 के रेशियो में, तो आपको 10 शेयर के बदले में मिलेंगे 10 शेयर, और अगर कंपनी 1:2 के रेशियो में घोषणा करती है तो आपको 10 शेयर के बदले में मिलेंगे 5 शेयर। इस बीच में इन्होंने स्टॉक स्प्लिट भी दिया है 10:1 के रेशियो में। तो ये थी अब तक ITC लिमिटेड द्वारा दिए गए लाभ। अगर हम बात करें या फिर कोई निवेशक ये सोच रहा है अगर हम 2040 तक होल्ड करें तो हमें किस प्रकार से लाभ मिलेगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम ITC लिमिटेड के बारे में जानेंगे कि कंपनी किस प्रकार से अपना कारोबार कर रही है और कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो शुरुआत में दोस्तों, ITC लिमिटेड आप सभी को पता होगा कि इस समय संजीव पुरी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। ITC लिमिटेड किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1910 ईस्वी में गठन की गई थी, FMCG सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी उस समय थी, जिसका कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा सिगरेट से आती थी। लेकिन धीरे धीरे ITC लिमिटेड अपना ग्रोसरी में कदम बढ़ाया और इस बीच में कई बार न्यूज में पढ़ा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को ITC लिमिटेड से अलग कर दिए जाएंगे, यानी कि अगर डिमर्जर कल के दिन होती भी है तो भी आपको इसके बदले में शेयर दिए जाएंगे। आपको बता दें, ITC लिमिटेड कुल मिलाकर 6 सेक्टरों में अपना कारोबार कर रही है। FMCG में दोस्तों सिगरेट भी आती है और ग्रोसरी के प्रोडक्ट भी आते हैं। तो प्रेजेंट में 67% जो है सिगरेट से आती है, पूरा वर्ल्ड में इसका कारोबार फैला हुआ है। यह कंपनी होटल का भी व्यवसाय करती है, पेपर एंड स्पेशलिस्ट पेपर्स का भी, पैकेजिंग का भी, एग्रीकल्चर का भी और IT सेक्टर में भी कंपनी काम कर रही है। ITC लिमिटेड के लगभग 37 ब्रांड ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल ब्रांड के तौर पे जानी जाती हैं। उनमें से कुछ है आशीर्वाद, सनफास्ट, बिंगो, किचन ऑफ इंडिया या PP, और इसी प्रकार के और भी कई सारे ब्रांड हैं। ITC लिमिटेड सबसे ज़्यादा FMCG सेगमेंट में ध्यान दे रही है। संजीव पुरी का कहना है साफ तौर पे कि आने वाले समय में हम FMCG सेक्टर में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे। प्रेजेंट में दोस्तों, अगर FMCG सेक्टर में माने कि 100%, तो 100 में जो है 45% सिगरेट से आती है और
55% जो है ग्रोसरी के प्रोडक्ट से आती है, और इन्हीं चीज को लगातार संजीव पुरी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सिगरेट नशीली पदार्थ में गिनती आने के कारण से बार बार सरकार के पाबंदियां के अनुसार चलनी पड़ती है, जिनके कारण से इन सेगमेंट में टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ती है और कंपनी को लाभ भी कम हो रही है। बेशक यह कंपनी विश्व भर में सबसे ज़्यादा सिगरेट की निर्माता और विक्रेता भी है, लिहाजा साल 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 78% बाजार में हिस्सा है ITC लिमिटेड का। आपको बता दें दोस्तों, इस कंपनी की फंडामेंटल में तो कंपनी की फंडामेंटल बिल्कुल सही है। मार्केट कैप के लिहाज से यह कंपनी 4,13,019 करोड़ की है, और इस बीच में इन्होंने 362 रुपये का हाई लगाया था, लो 207 रुपये का। हालांकि ITC लिमिटेड के बारे में दोस्तों हम 199 रुपये से लेकर अब भी आपको खरीदारी करने की ही राय देंगे लॉन्ग टाइम के लिए। प्राइस अर्निंग रेशियो 23 पे ट्रेड कर रही है और बुक वैल्यू 52.90 रुपये पे, यानी कि स्टॉक इस समय 4 गुना पे ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 33 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24 का है। लेकिन ITC लिमिटेड को लेकर जो हमेशा निवेशकों की राय होती है कि प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी 100% शेयर जो है ना शेयर मार्केट में लेके आ गई है। कोई भी कंपनी फंड रेस करती है तो 25% 30% ही शेयर मार्केट में लेके आती है अपने कंपनी का। यह कंपनी ओवरऑल डेट फ्री है, क्योंकि साफ शब्दों में कहा गया कंपनी लगभग कर्ज मुक्त ही है। ITC लिमिटेड की जो खास बात है ना, शेयर मार्केट में से डिविडेंड स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कंपनी अपने प्रॉफिट का लगभग 91% जो है ना डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को बांट देती है। Q2 में ITC लिमिटेड ने Q1 की अपेक्षा कम सेल कर पाई थी। Q1 में देखा जाए तो इन्होंने 18,489 करोड़ का सेल किया था और Q2 में मात्र 17,108 करोड़ का। इस बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा आप देख सकते हैं, Q2 में इन्होंने 4,642 करोड़ का और Q1 में 4,472 करोड़ का सेल करने के बाद भी कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया है। लेकिन हमें अगर लंबे समय का निवेश करना है तो कंपनी के पूरे साल का डाटा देखना है कि कंपनी किस प्रकार से अपने सेल्स को बढ़ा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि मार्च 2015 में इस कंपनी का पूरे साल का सेल हुआ करता था 38,000 करोड़, उनके 5 साल के बाद इसका रेवेन्यू हो गया कितना, लगभग 50,000 करोड़ का। अब फाइनेंशियल ईयर 23 के अंत में ये कंपनी लगभग 70,000 करोड़ का सेल करने जा रहे हैं, और इस बीच में कंपनी को प्रॉफिट क्या होगा तो आप देख सकते हैं 17,546 करोड़। उसके पहले कंपनी 15,000 प्रॉफिट किया, उसके पहले 13,000। तो कंपनी जिस हिसाब से सेल कर रही है उसी के अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, और जो कंपनी प्रॉफिट करेगी ऑटोमेटिक है उनके शेयर के वैल्यू बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब एक नज़र बैलेंस शीट पे देखें तो मौजूदा समय में शेयर कैपिटल की जो संख्या है वो 1,240 करोड़ का है। कंपनी के पास रिजर्व कितना है आप देख सकते हैं, इस समय 64,384 करोड़। हर एक साल ये अपने रिजर्व को भी बढ़ाते हैं। और कंपनी के पास डेट कितना है देख सकते हैं, मात्र 253 करोड़, जो कि ITC लिमिटेड के सामने ये कोई कर्ज है ही नहीं है, आप इसे जीरो मान सकते हैं। अब एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों विदेशी निवेशक और साथ में डोमेस्टिक निवेशक जो है ना निवेश किए हुए हैं, यानी कि इन दोनों के पास लगभग 85% के हिस्सेदारी हैं और बचे हैं 15%, वो हम आप जैसे छोटे निवेशकों के पास हैं। जितने भी बेहतरीन कंपनियां हैं उन सभी में देखिएगा डोमेस्टिक वाले और FI वाले की सबसे ज़्यादा होल्डिंग रहती है। इसका कारण ये है कि अगर हम आज के डेट में ITC लिमिटेड में 100 क्वांटिटी लेते हैं और तय कर लेते हैं कि हमें इन शेयरों के साथ 10 साल 12 साल 15 साल होल्ड करना है, तो दोस्तों इस बीच में जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है ना वो डिविडेंड से। स्टॉक के प्राइस में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी का जो पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है ना डिविडेंड,
वो आपको रेगुलर तौर पे पे करते आएंगे और आगे भी आपको करेंगे। इस लिहाज से अगर कंपनी हर एक बार 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से भी डिविडेंड देती है तो साल में 2 बार देगी, यानी कि 1000 रुपया आपको डिविडेंड से मिल रहे हैं। और आपने निवेश किया कितना प्रेजेंट टाइम को देखकर, मोटा मोटी मान लीजिएगा कि आपने 35,000 रुपया का निवेश किया है। अब यहाँ पर देखें 1000 रुपया गया, इन्हीं 1000 रुपये को अगर हम इसका शेयर खरीद के ITC लिमिटेड की संख्या को बढ़ाएं, शेयरों की संख्या को बढ़ाएं, तो आने वाले समय में आपके पास 100 शेयर से बढ़कर कई सारे शेयरें हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा शेयर होंगे उतना ज़्यादा आपको डिविडेंड मिलेंगे और उन्हीं डिविडेंड से आप ITC लिमिटेड का शेयर खरीदते जाएं और अपनी संख्या को बढ़ाते जाएं। आने वाले समय में यही 37,000 रुपया 35,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट आपको लाखों करोड़ों में कमा के दे सकती है। लेकिन मार्केट्स में उतार हो या चढ़ाव, उस चीज़ से घबराना नहीं है। जो आपने मन में ठाना है कि हमें 10 साल रहना है तो 10 साल रहना है, अगर 20 साल होल्ड करना है तो 20 साल होल्ड करना है, ये मन में लेके चलें तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।